हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गाइस फिर आज आपका नॉलेज में बढ़ाने के लिए आ गया हूँ। एक्चुअली मैं डेली वीडियो नहीं दे पाता हूँ, थोड़ी सी टाइम की कमी है, बट जब भी टाइम मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपको वीडियो देता हूँ। गाइस आप गमका मेडिकल आप करा चुके हो, ठीक है ना, किसी कारण से अगर आपका वीज़ा फेल हो जाता है या किसी कारण से कंपनी होल्ड कर देता है या किसी भी कारण से आप उस कंपनी में उस कंट्री में नहीं जा सकते हो, तो क्या आप सडनली दूसरी गमका मेडिकल आप करा सकते हैं या फिर आप अपना कंट्री को चेंज कर सकते हैं उसी गमका मेडिकल पे? इसी दो टॉपिक पे बात करूंगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कंफ्यूजन होता है लोगों के अंदर और बहुत ही एक जेन्युइन क्वेश्चन है कि अगर आपने गमका मेडिकल कराया और किसी कारण से वो गेम फेल हो गया, वो अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो गई, सपोज कि आपने क्वैत के लिए कराया और क्वैत नहीं जा सकते हैं, वो कंपनी ने बोला कि मुझे आदमी नहीं चाहिए, बट आपने गमका मेडिकल करा रखा है, तो क्या उसी गमका मेडिकल पे आप सऊदी जा सकते हैं? एक बात ये हो जाती है। दूसरी बात है कि अगर नहीं जा सकते हैं तो क्या मैं तुरंत, अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है सऊदी के लिए, तो तुरंत सडनली आप 10 से 15 दिन एक महीने के अंदर में आप दूसरा गमका मेडिकल करा सकते हैं या करा करके आप सऊदी जा सकते हैं? क्या इसका जवाब है, आप सुन लीजिए, आपका नॉलेज इम्प्रूव होगा। और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ कि बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ मैं देता हूँ लोगों को, जेन्युइन एक सवाल का जो जवाब कहीं नहीं मिलता है वो मेरे चैनल पे मिलेगा। गाइस गाइस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस आइए जल्दी से शुरू करते हैं, बहुत जल्दी ख़त्म करूँगा इस वीडियो को। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने मेडिकल करा रखा है क्वैत के लिए, सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, क्वैत के लिए करा रखा है, किसी कारण से आपकी वैकेंसी फेल हो जाती है, आपकी अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो जाती है, तो क्या आप सडनली 10 से 15 दिन या एक महीना या मतलब कब आपको कराना चाहिए, कब आप करा सकते हैं? ये सवाल का जवाब है कि आप नहीं करा सकते हैं, ठीक है। अगर आपने एक बार गमका मेडिकल, मैं नॉर्मल मेडिकल की बात इसमें नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल मेडिकल आप मिक्स नहीं करना इसमें, गमका मेडिकल अगर आपने एक बार करा लिया, चाहे वो किसी भी जीसीसी कंट्री के लिए हो, चाहे वो सऊदी हो, दुबई हो, ओमान हो, कतर हो, बहरीन हो, तो आप दूसरी गमका मेडिकल सडनली 90 डेज के अंदर नहीं करा सकते हैं। कम से कम 3 मंथ्स आपको टाइम देना होगा। जैसे आपका जो एक बैरियर है 3 मंथ्स का, जैसे आप क्रॉस करेंगे तो आप सडन दूसरा गमका मेडिकल करा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सवाल का जवाब आपको क्लियर हो गया कि 3 महीने के अंदर में दूसरा गमका मेडिकल आप नहीं करा सकते हैं, चाहे गमका मेडिकल आपका फिट हो या कुछ भी हो, ठीक है। क्योंकि पासपोर्ट नंबर, आपका फिंगर, एवरीथिंग वो लोग सिस्टम में सेव कर लेते हैं और आपका गमका स्लिप जनरेट होगा ही नहीं, चाहे आप मुंबई हो या कहीं हो। तो 90 डेज इसका पीरियड है, 90 डेज आप वेट करना होगा, 90 डेज के बाद आप करा सकते हैं। ये तो हो गया कि चलो आपका गमका मेडिकल फिट है और आपने अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो गई, तो दूसरा 90 डेज के बाद आप करा देंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या आपका गमका मेडिकल अनफिट हो गया, अनफॉर्चुनेट, ठीक है ना, अनफॉर्चुनेट आपका गमका मेडिकल अनफिट हो गया, तो क्या आपको कब दूसरा मेडिकल कराना चाहिए, कब आप करा सकते हैं? तो इसका सही जवाब है मिनिमम 90 डेज। इसमें भी है, इसमें भी एक बैरियर है, मिनिमम 90 डेज, 3 मंथ्स मिनिमम है और मैक्सिमम आपका 9 मंथ्स भी हो सकता है, 1 ईयर भी हो सकता है और लाइफ टाइम भी हो सकता है। लेकिन लाइफ टाइम वो नहीं होता है, वो बहुत रेयर होता है, ठीक है ना। कोई बहुत बड़ा मेजर इश्यूज़ है, जैसे HIV है, एड्स है, इस तरह के कुछ मेजर इश्यूज़ है, वो लाइफ टाइम बैन कर देते हैं। बट अगर छोटी छोटी इशूज़ की वजह से आपका गमका मेडिकल अनफिट हो गया है तो आप 90 डेज के बाद एक बार ट्राई कर सकते हैं। इट्स डिपेंड, डॉक्टर के मूड के ऊपर है और वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ से भी आपने मेडिकल कराया हुआ है गमका मेडिकल, उसके मूड के ऊपर है और वो आपका किस तरह का सीरियस केस के कारण आपका गमका मेडिकल अनफिट किया है, उसी के अकॉर्डिंग वो लोग बैंड करता है आपको। अगर लगता है कि नहीं, ये आदमी का ट्रीटमेंट 3 महीना 2 महीने के अंदर में हो सकता है, तो 3 मंथ्स का बैंड लगा देगा। 3 मंथ्स से तो नीचे होता ही नहीं है। एक बार अगर आपका गमका मेडिकल अनफिट हो गया तो 3 महीना भूल जाइए आप, 3 मंथ्स के लिए आप भूल जाइए, उसके बाद ही आप करा सकते हैं। अब ये इट्स डिपेंड कि ये 6 मंथ भी हो सकता है, उन लोगों का डॉक्टर का जो जीसीसी डॉक्टर का जो डिसीजन होता है वो उनका अपना डिसीजन होता है, ठीक है। तो 6 मंथ भी हो सकता है। तो इस दोनों सवाल का जवाब मैंने दे दिया गाइस, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी मैं इस दोनों सवाल के जवाब को मैं एक बार शॉर्टली मैं बता देता हूँ कि 3 मंथ्स उसमें भी है, अगर आपने एक बार गमका मेडिकल करा लिया, किसी कारण से अगर आपका अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो गया, आपकी वैकेंसी रुक गई, आप नहीं जा सकते उस कंट्री में, तो सडन आप दूसरा गमका मेडिकल नहीं करा सकते हैं, 3 मंथ्स वेट करना होगा। और वो गमका मेडिकल रिपोर्ट अगर आप फिट आता है तो सऊदी के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते हैं।
एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको इसमें जोड़ रहा हूँ मैं कि अगर आपने कुवैत के लिए कराया हुआ है तो वो रिपोर्ट अगर फिट है फिर भी आप सऊदी के लिए नहीं यूज़ कर सकते हैं। अगर सऊदी का रिपोर्ट आप कुवैत के लिए, मतलब कोई जब भी कंट्रीज चेंज होगा तो गम का भी आपको दूसरा कराना होगा, वो चेंज नहीं कर सकते हैं, सेम गम का यूज़ नहीं कर सकते हैं। इस तरह का एक बैरियर होता है, दिन पर दिन थोड़ा स्ट्रिक्ट होता जा रहा है गाइस ये जो भी रूल एंड रेगुलेशन है, तो इसको आप हमेशा ध्यान में रख के ही अपना आगे का काम कीजिए। आई होप ये वीडियो आपका काम का होगा, आपका नॉलेज इम्प्रूव ज़रूर हुआ होगा। अगर हुआ है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए, मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ जाइए, मैं हमेशा हमेशा उस पर अपडेट रहता हूँ। लाइव मेरे साथ जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो मुझसे मेरे साथ जुड़ जाइएगा। सो ये चीज़ मुझे बताना था। आई होप आप अच्छे होंगे, जहाँ भी रहिए मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय।